नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सेला सुरंग ने किस प्रकार से चाइना की चिंता बढ़ाई है, यानी अब भारत का जो इस सेला सुरंग से जो विशेष महत्व है वो किन किन चीज़ों को लेकर है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, या फिर अन्य कोई जैसे इस एरिया के अंदर, या हम कहें कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर जो व्यापार है, इसको लेकर इससे आगे चलकर बहुत ज्यादा क्या मिलने वाला, भारत को फायदा मिलने वाला है, और ये किस प्रकार से चीन के लिए भी थोड़ा सा जो है चिंता का कारण बना हुआ है, इसमें पूरी जो भारत की जितनी भी अन्य सुरंगें हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और इस सेला सुरंग का क्या क्या जो है क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये सेला सुरंग का है। देखिएगा, ये सेला सुरंग है। अब इसमें क्या है कि ये डबल सुरंग है, ये क्या है, दो सुरंग बनाई गई एक साथ, ठीक है। अब यहां पे मेनली इस सेला सुरंग का जो आपके पर्पज रहेगा वो रहेगा कि आप यहां पे जब आगे चलकर देखेंगे तो सेला पास है। अब सेला पास के अंदर ये सुरंग क्यों बनाई गई, उसके पीछे मैं कारण आपको बताऊंगा। ये कुछ फोटो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर देखो, अगर सेला सुरंग आप अंदर से देखने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये सेला सुरंग का फोटो है, ये अंदर से कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब इस सेला सुरंग का जो है, ध्यान देना आप, इंपोर्टेंट है, इसका जो आधारशिला रखी थी, आधारशिला जो रखी थी वो फरवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। यानी इस सेला सुरंग की जो आधारशिला रखी गई थी, ये आधारशिला जो है 9 फरवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश में रखी गई थी। अब भारत के अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों का विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इस सेला सुरंग की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। यह असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इससे तेजपुर त्वांग तक यात्रा का समय 1 घंटे से अधिक की कमी आ जाएगी। केंद्र के सीमा सड़क संगठन, यानी हम बात कर रहे हैं BRO की, और BRO की जो स्थापना की जाती है वो 1960 में की जाती है। अब ये BRO जो है, ये बेसिकली जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है या फिर भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सड़क वगैरह हो गया या फिर कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो गया, उससे रिलेटेड ही क्या करता है, वहां पे काम करता है। और ये भारत सरकार की जितनी भी आपको परियोजनाएं देखने को मिलेंगी इन एरियाओं के अंदर, उनको बहुत त्वरित गति से क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इस परियोजना में 2 सुरंग और 1 लिंक रोड शामिल है। यानी इसमें हम जनरली देखेंगे कि इसमें आपको, देखो मानचित्र के माध्यम से आगे मैं बताने वाला हूं कि इसमें जो जनरली आप देखेंगे, इस परियोजना में 2 तो सुरंग है और 1 लिंक रोड है। पीएम मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में जो है आपके पश्चिमी कोमेंग जिले के बैसाखी में सेला टनल का उद्घाटन किया। यानी इसका जो उद्घाटन है वो अभी जस्ट किया गया है। अब ये विश्व की एकमात्र ऐसी सुरंग है, देखो सुनना, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन वाली, यानी इसमें डबल लेन मतलब ये बाई डायरेक्शनल है, यानी इसमें हम आ भी सकते हैं तो हम इसमें जा भी सकते हैं, यानी ये डबल लेन वाली जो है टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, यानी किलोमीटर इसका 1.5 है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसी सुरंग है जो आपके बाई डायरेक्शनल है, यानी ये द्विदिशा वाली अपन इसे कह सकते हैं। टनल चीन बॉर्डर से लगे त्वांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। यानी भारत के लिए जो इस समय सबसे ज्यादा विशेष महत्व रखने वाला क्षेत्र है त्वांग क्षेत्र, और त्वांग क्षेत्र की चाइना किस प्रकार से मांग कर रहा है उसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। रोड कनेक्टिविटी देगी, LAC के करीब होने के कारण यह टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम और भी बेहतर बनाएगी। इस टनल के बनने से चीन बॉर्डर तक दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी इससे मेन रूप से अगर देखें तो इसका सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पे आगे इसमें चलते हैं। देखो, ये मैंने आपको अंदर का इसका फोटो दिखा दिया, ये आपको बताया था कि इसका जो है उद्घाटन इस प्रकार से किया गया है। अब देखना, इस टनल को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले एरिया में एक पड़ता है सेला पास। सेला पास का आपने सुना होगा, देखिएगा ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये सेला पास जो है ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। यानी ये जो सेला पास है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। अब यहाँ पे सेला पास के अंदर देख रहे हैं आप कि पहले यहां से जनरली एक सड़क गुजरा करती थी, लेकिन इस एरिया में क्या है मित्रों, बर्फबारी ज्यादा होती थी, इस कारण ये सड़क जो है ना ये बाधित हो जाती थी। अब हर मौसम में कनेक्टिविटी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे जब आगे देखोगे तो यही पास में आपको एक दर्रा और दिखेगा, बोमडिला, जहां से आसानी से यातायात हो सकता है।
लेकिन ये जो है ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। देखो यहां पे आप देखोगे सबसे जरूरी चीज, ये जो आपके सुरंग है ना ये क्या करेगी, यानी ये त्वांग एरिया है। अब ये त्वांग एरिया अरुणाचल प्रदेश में है और यहां पे ये तेजपुर को जोड़ेगी, यानी त्वांग से और तेजपुर के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए। अब इसमें बीच में कौन सा दर्रा है, आपके सेला पास है, ये कौन सा पास है, सेला पास है। और इस तेजपुर के अंदर भारतीय सेना का जो आपके फोर्थ कोर का जो है केंद्र है, यानी ये यहां पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भारतीय सेना का जो है आपके उसका फोर्थ कोर का क्या है, केंद्र है। अब ये जो आपके विकसित की गई है ये पूरी की पूरी जो सेला टनल है ये किसके द्वारा विकसित की है, बीआरओ के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्थापना मैंने आपको बता दी 1960 के अंदर। इसका टोटल जो कॉस्ट होने वाला है ये 850 करोड़ रुपए इसका टोटल कॉस्ट था, यानी इसमें टोटल जो कॉस्ट लगी है वो कितना लगी प्यारे बच्चे, 850 करोड़ रुपए लगी है। त्वांग के साथ सभी मौसमों में कनेक्टिविटी रहेगी, यानी इस त्वांग एरिया के साथ अन्य जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया हैं, असम के एरिया हैं, उनके साथ हमेशा यहां से क्या रहेगी, कनेक्टिविटी रहेगी, यानी हर मौसम में हम इनसे जुड़े रह सकते हैं, हर मौसम इनसे जुड़े रह सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वाला एरिया ये है आपके गुवाहाटी। अब यहां गुवाहाटी से आपको यहां पर ये रोड आपको दिख रही होगी, ये सीधा जो रोड जा रही है ये सीधा यहां पे जाएगी कहां पे, त्वांग पे। अब यहां पे मैंने बताया था ये तेजपुर है, ये तेजपुर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेजपुर के अंदर मैंने आपको बताया भारतीय सेना का जो आपके फोर्थ कोर का जो है केंद्र है। अब यहां हमें कनेक्ट किसको करना है, त्वांग और यहां तेजपुर को। तो हमने यहां से क्या किया कि भाई यहां पे एक रोड तो इस प्रकार से हमने बना दी, एक रोड इस प्रकार से बना दी, इस रोड को तो हम कहते हैं बीसीटी रोड। और यहां पे अगर आप तेजपुर से इस साइड अगर यहां पे देखोगे तो इस रोड को कहते हैं ओकेएसआरटी रोड। यदि अगर मैं बीसीटी रोड की बात करता हूं तो देखो बालीपारा चारिद्वार त्वांग रोड है ये। अगर ओकेएसआरटी की बात करते हैं तो देखो ओरंग कलांगतांग शेर गांव रूपा तेंगा, यानी ये दो रोड इंपोर्टेंट है इस सुरंग के अंतर्गत, इस सुरंग के अंतर्गत ये दो रोड इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अगर यहीं पे आप बात करोगे तो एक और दर्रा था, यहाँ पे दर्रा था आपके जो नेचीफू दर्रा था, वहां पे भी आपके सुरंग का उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन वो सुरंग बनकर तैयार हो गई थी प्यारे बच्चे 2023 में। कब बनकर तैयार हो गई थी, 2023 में। इन दोनों सुरंगों के बनने से यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, यानी सॉरी 15 किलोमीटर की दूरी दोनों स्थानों के बीच क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी तेजपुर और अगर आप यहां पे अगर बात करें किसकी, यहां पे बात कर रहे हैं हम त्वांग क्षेत्र की, अगर तेजपुर से त्वांग के बीच अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो वह कितनी कम हो गई है, 15 किलोमीटर की दूरी वहां से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इससे समय का भी फायदा हो जाएगा और फ्यूल का भी फायदा हो जाएगा। अब यहां पे ये जो त्वांग क्षेत्र है ना ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान देना आप थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि त्वांग वाला जो क्षेत्र है ना वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए दलाई लामा का जन्म हुआ था, और इस दलाई लामा का जन्म होने के कारण ही इस एरिया की, इस एरिया की चीन के द्वारा नेफा के रूप में मांग की जाती है। अब ये नेफा क्या है, अब आपने शायद सुना होगा ब्रिटिश काल में जो भारत के जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य थे उनमें शासन संचालित करने के लिए एक अंग्रेजों ने पद बना रखा था और उस पद को हम कहते थे क्या, नेफा। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश। अब इस नेफा पर बैठने वाला जो व्यक्ति था ना वही इन भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या करता था, शासन का संचालन करता था। अब यहां पे क्या है कि आज वर्तमान में चीन जो क्या करता है इस त्वांग क्षेत्र की, त्वांग क्षेत्र की नेफा के रूप में क्या करता है, मांग करता है। चीन क्या कहता है कि जो तिब्बत वाला जो भाग है उसका ये उत्तरी भाग तो क्षेत्र है जो है त्वांग वाला, ये तो उत्तरी तिब्बत का भाग है, और बाकी बचा जो अरुणाचल प्रदेश है ये दक्षिणी तिब्बत का क्या है, भाग है। यानी तिब्बत पर किसका अधिकार है, चाइना का अधिकार है। अब तिब्बत जो है ना इस अरुणाचल प्रदेश को और इस त्वांग क्षेत्र को, वैसे त्वांग जनरली अरुणाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है, अपना क्या मानता है, हिस्सा मानता है। तो सर जैसे ही हमने यहां पर ये सेला टनल बनाई चाइना की दिक्कतें बढ़ना स्टार्ट हो गई, उसकी चिंता बढ़ना क्या होगी, स्टार्ट होगी, क्योंकि भारत यहां पर अब जो है आराम से आप देखेंगे डिफेंस के मामले में भी, यानी रक्षा के मामले में भी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को यहां पर क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी में, देखो ध्यान देना यहाँ पे। अब ये थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा हो तो यहाँ त्वांग क्षेत्र के अंतर्गत, त्वांग क्षेत्र के अंतर्गत जो है चाइना और इंडिया के
जो सोल्जर्स थे उनके बीच में भी यहाँ पर जो है झड़प हो गई थी। अब यहाँ पे झड़प जो होती है ना बेसिकली लाठी वगैरह इनसे होती है, यानी यहाँ पे जो है ना भारत की सेना और जो चाइना की सेना थी वहां पे क्या होगी झड़प हो गई थी, तो उस समय भी ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा चर्चा में आपके रहा था, तो ये आपको ध्यान यहां से रखना है। अभी तो वर्तमान में तो वैसे चर्चा बना हुआ है। अब दूसरा क्या है, हमने क्या कर दिया, अब इससे पूरी की पूरी ये जो आपकी मैकमोहन रेखा है, इस मैकमोहन रेखा वाले एरिया में हमने क्या कर दिया कि यहां पूरे के पूरे इस अरुणाचल प्रदेश का जो ये सीमावर्ती एरिया है यहां पे भी अब रोड का काम भी क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया है। यानी यहां पर आप देखेंगे कि इस अरुणाचल प्रदेश के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो है आपके एक रोड का निर्माण करना हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या होगा कि ये चाइना वाला जो एरिया है, क्योंकि इधर कौन लग रहा है, चाइना वाला एरिया लग रहा है, तो वहां पे अगर स्थिति खराब होती है तो हम जो है त्वरित गति से वहां पर जो है सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच सके। साथ साथ में यहां पर रेलवे लाइन भी क्या कर दी गई है, प्रस्तावित कर दी गई है प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना है। और रेलवे लाइन का तो काम भी यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चे, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये आपको यहां से क्या रखना था, ध्यान रखना था। अब यहां पे देखो मैं कुछ और सुरंगों की बात कर रहा हूं, यहां पे सबसे पहले देखो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, देखो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप देखेंगे तो ये बनिहाल दर्रा जम्मू के अंदर है। अब ये क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अब ये क्या कह रहा है, देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसे जो है स्टार्टिंग में अपन क्या कहते थे, चेनानी नासरी टनल भी कहते थे। क्या कहते थे, चेनानी नासरी टनल भी कहते थे। और ये इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे टनल 9.28 किलोमीटर एंड एशिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, यानी ये भारत की तो सबसे लंबी टनल है ही है, बाकी अगर आप एशिया में भी देखेंगे तो ये द्विदिशा वाली सबसे लंबी क्या है, सुरंग है, ध्यान रखना। और अगर अब पूछ लिया जाए कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाई डायरेक्शनल सुरंग कौन सी हो जाएगी, तो वो सेला टनल हो जाएगी, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, लंबाई की अगर बात करें, लंबाई के पर्पस से आप देखोगे तो वो आपको ध्यान रखना है 9.28 किलोमीटर कौन सी हो जाएगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये हाईवे से युक्त है, इसमें से भारत का जो सबसे लंबा हाईवे है ना NH-44 वह भी क्या करता है प्यारे बच्चे, गुजरता है। ये देखिएगा आप इस चित्र में आराम से देख लीजिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जम्मू वाला पार्ट है और अंत में जब आप आएंगे यहां पे श्रीनगर, तो इनको ये जोड़ने वाला पार्ट है, इनको ये जोड़ने वाला पार्ट है। और यहां पे आप देखोगे ये एक स्थान है चेनानी और ये है नासरी, इनको जो जोड़ता है और वही क्या कहलाएगा, चेनानी नासरी टनल कहलाएगा, यानी इसे वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी अपन कहते हैं। और ये 9.2 किलोमीटर यानी 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल यहां से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, देखो ध्यान देना एक और टनल है जो अभी निर्माण अधीन है, और उस टनल की हम बात कर रहे हैं जोजिला टनल। जोजिला टनल की क्या विशेषता है, देखो इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 14.15 किलोमीटर, और ये देखो ध्यान रखना ये जिस समय बनकर तैयार हो जाएगी, ये भी निर्माणाधीन है, ये जिस समय बनकर तैयार हो जाएगी तो यह भी एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, यानी ये भी द्विदिशा वाली है, यानी इसमें वाहन आ भी सकते हैं वाहन जा भी सकते हैं। जैसे देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में देखना ये इधर से वाहन जा भी रहा है तो प्यारे बच्चे इधर से वाहन आ भी रहा है, यानी आने जाने की दोनों तरफ से क्या है इसमें सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इसकी बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है, 14.15 किलोमीटर है, ओपन ऑल डेज यानी ये साल के 365 दिन खुली रहेगी और हर मौसम में यहां से क्या रहेगी बच्चे, कनेक्टिविटी रहेगी, ये आपके लिए ध्यान यहां से रखना है। और ये जोजिला पास के अंदर है, ध्यान रखना, और यहां से NH-1A क्या करेगा, गुजरेगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट यहां से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसका टोटल बजट भी आप याद रख सकते हैं, टोटल बजट की अगर आप बात करोगे तो 6809 करोड़ रुपए इसका टोटल क्या रखा गया प्यारे बच्चे, बजट रखा गया है। और अब देखो टनल तो हमारे यहां पर बीआरओ के द्वारा टनल तो इतनी तेजी से बना रहे हैं क्योंकि हमने जब दिल्ली मेट्रो का काम किया ना तो दिल्ली मेट्रो का अधिकांश भाग आप देखेंगे अंडरग्राउंड है, तो अब हम टनल जो बनाने में है ना बिल्कुल नहीं हिचकिचाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी विकसित हो गई और हमें अभ्यास हो गया और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम आराम से टनल बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहां पे अगर आप आगे बात करोगे इसी में, देखो ये अगर आपसे पूछा जाए, देखो यहां पे एक चीज और याद रखनी है कि अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है,
तो मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा जो है वो देखो उमिंगला है। कौन सा है? उमिंगला है, और ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। और उमिंगला जो दर्रा है ना प्यारे बच्चे, वो लद्दाख के अंदर पड़ता है। आप एक चीज याद रखना, लद्दाख के अंदर जितने भी दर्रे हैं उनके नाम के आगे ला मिलता है। क्या मिलता है? ला मिलता है। जैसे उमिंगला हो गया, खारदुंगला हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये किसको जोड़ रहा है? ये चिसुमले को यहां से धेमचुकू से जोड़ रहा है। चिसुमले जो पेंगोंग सो लेक वाले एरिया के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। और जो आपको याद रखना है, जो धेमचुकू है वो लेह के अंदर है, और इसका उद्घाटन प्यारे बच्चे कब किया गया था? 2021 के अंदर। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी यहां पर इस दर्रे से जो है ये हम यू कह सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य क्या है? दर्रा है। ये आपके लिए कुछ फैक्ट याद रखने हैं जो विशेष रूप से। अब यहां पे अगर बात करोगे आप अटल टनल की बात करते हैं, तो ये रोहतांग टनल, यानी ध्यान रखना इसका एक नाम और क्या है? रोहतांग टनल भी है, यानी हम इसे बेसिकली ध्यान रख सकते हैं रोहतांग दर्रे से गुजर रहा है। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ प्यारे बच्चे 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। फिर अभी यहां पे आप देखोगे तो भारत ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान चाइना ने, देखो यहां पे ये इतना जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया अक्साई चीन का है। अक्साई चीन वाला एरिया जिसका निर्धारण हम ध्यान रखना किससे करते हैं? जिसका निर्धारण हम करते हैं LAC से, बोले तो LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से इसका क्या करते हैं? हम निर्धारण करते हैं। अभी भारत ने क्या किया है कि इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कर दिया साहब? एक रोड का निर्माण कर दिया। और रोड कौन बनाएगा? अब देखो जब भी आपको ध्यान रखना है सीमावर्ती क्षेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो या फिर भारत के कोई पहाड़ी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो एक ही संस्था आपको याद रखनी है, और संस्था कौन सी है? BRO। कौन सी संस्था है? BRO संस्था है। तो इसने क्या कर दिया, दरबुक से लेकर यहां पर शोक हो जाएगा और लास्ट ये दौलता बेग ओल्डी तक जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो है अक्साई चीन वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए DSDBO रोड का क्या बनाया है भाई? निर्माण किया है। यानी DSDBO रोड का क्या किया है? निर्माण किया है। यानी दरबुक शोक दौलता बेग ओल्डी रोड हमने यहां पर क्या कर दिया है? बना दिया है। इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करते हैं तो 255 किलोमीटर है। तो इसका भी जो है आपके सुरक्षा की दृष्टि से विशेष क्या मिल जाएगा? महत्व मिल जाएगा। ध्यान रखना यहां पे ये चुसूल वाला जो एरिया है, तो हमने चुसूल नदी घाटी क्षेत्र में भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए हमने यहां पर एयर स्ट्रिप बना दी। क्या बना दी? एयर स्ट्रिप। क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे तो ये जो पेंगोंग त्सो वाला एरिया है, यानी पेंगोंग त्सो एक झील है, ध्यान रखना ये झील भी क्या है? विवादित है। यानी पेंगोंग त्सो लेक जो झील है ये आपके क्या है? विवादित है। अब इसमें क्या है? विवादित क्षेत्र है महज 8 किलोमीटर, क्योंकि इस झील की टोटल अगर लेंथ की आप बात करते हैं तो 135 किलोमीटर है। टोटल लेंथ कितना है इसका? 135 किलोमीटर है। इसमें से अगर आप बात करोगे लगभग 45 किलोमीटर लद्दाख वाले एरिया में है, और जो आपके लगभग 82 किलोमीटर वाला जो भाग है ये आपको ध्यान रखना है किसमें है? ये चाइना में है। लेकिन जो अक्साई चीन वाला एरिया है उसमें कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। फिर इस झील के उत्तरी भाग के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। उस ग्लेशियर के अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है, ग्लेशियर के कुछ इस तरीके से फिंगर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ग्लेशियर में जो विवादित झील है, ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक ये झील क्या है? विवादित है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पेंगोंग त्सो जो लेक है वो कितने फिंगर से लेकर कितने फिंगर तक विवादित है। तो ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक क्या है प्यारे बच्चे? विवादित है। तो ये हमने अक्साई चीन के अंदर कुछ विशेष जो है कार्य किया है। ये पूरा का पूरा हमने इसमें सेला टनल के बारे में पढ़ लिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हमने पढ़ा, रोहतांग के बारे में पढ़ा, जोजिला के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र में जो आपके हमने कंस्ट्रक्शन किया है, विशेषकर चाइना और पाकिस्तान की जो है सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी उनसे आने वाले आक्रमणों को जो है हम रोकने के लिए या उनकी जो कूटनीतियां हैं उनको विफल करने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले भारत के लिए एक तरीके से रामबाण सिद्ध होंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।